हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में विशेष महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए वैकेंसी जिला स्तर पर निर्धारित होगी। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब जिला स्तर पर निर्धारित होगी। अक्टूबर तक होगी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण। डीजीपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद 5000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने पहले 8000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली भर्ती के आधार पर जिला स्तर पर वैकेंसी निर्धारित कर दी थी, लेकिन पदों में संशोधन होने के बाद अब 5000 पदों को जिला स्तर पर वैकेंसी के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। ये प्रक्रिया इसी सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद में भर्ती प्रक्रिया का स्थायी आदेश जारी होगा। वैकेंसी निर्धारित करके रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आवेदन प्रक्रिया वह शुरू होगी, आवेदन मांगे जाएंगे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अक्टूबर माह तक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये न्यूज है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में। कांस्टेबल भर्ती के लिए वैकेंसी जिला स्तर पर निर्धारित होगी। अक्टूबर तक पूरी भर्ती प्रक्रिया वह पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।